वीडियो सर्च करने के लिए हम यूट्यूब को यूज़ करते हैं, मगर बहुत से लोग नहीं जानते कि यूट्यूब में एक्यूरेटली वीडियो सर्च करने का सही तरीका क्या है। अगर हम कोई लाइव वीडियो सर्च करना चाहते हैं, 360 डिग्री व्यू वीडियो सर्च करना चाहते हैं, या उन वीडियोस को सर्च करना चाहते हैं जो लेंथ में बहुत ही छोटे हैं या बहुत ही लंबे हैं, या हम कोई मूवी सर्च करना चाहते हैं या कोई चैनल या प्लेलिस्ट सर्च करना चाहते हैं, तो हम कौन सा तरीका यूज़ करें कि हमें इधर उधर के कई रिज़ल्ट दिखाने की बजाय हमें हमारी एक्यूरेट वीडियो इमीडिएटली मिल जाए। तो आइए जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे ओपन करेंगे youtube.com। इसकी सर्च बार में सपोज़ हम सर्च करना चाहते हैं कोई ऐसे वीडियोस जो लेंथ में बहुत छोटे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने टाइप किया शिव खेड़ा बुक्स, तो जैसे ही हम लिखेंगे शिव खेड़ा बुक्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। 10 मिनट, 29 मिनट, 8 घंटे का वीडियो, ऐसे अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं जिनकी लेंथ बहुत बड़ी है। मगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही वीडियो मेरे सामने आए जिनकी लेंथ बहुत छोटी हो। तो हमें बस इतना ही करना है, जहाँ लिखा है शिव खेड़ा बुक्स उसके बाद लिखेंगे कॉमा एंड टाइप शॉर्ट। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, आप देखोगे कि अब जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट साइज़ के हैं, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, जैसे 2 मिनट, 26 मिनट का, 30 मिनट का, 1 मिनट का। तो देखो, सारे ही जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सारे ही स्मॉल साइज़ के हैं। अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन का सर्च करना चाहते हैं तो इसी शॉर्ट की जगह हम यूज़ करेंगे लॉन्ग। अगर हम लॉन्ग कीवर्ड या ऑपरेटर यूज़ करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, तो अब यहाँ पे जितने भी वीडियोस आएंगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन के होंगे, जैसे 29 मिनट, 8 घंटे, 31 मिनट, 32 मिनट। तो इस तरह से लॉन्ग वीडियोस जो हैं वो हम सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई चैनल सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा विपिन कपूर, तो जब विपिन कपूर लिखेंगे तो विपिन कपूर के चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, मगर बाकी जो हैं वो एक्स्ट्रा वीडियोस हैं, ये चैनल्स के बारे में नहीं हैं। अगर हम सारे चैनल ही सर्च करना चाहते हैं जो भी विपिन कपूर के नाम से बने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विपिन कपूर कॉमा चैनल। तो जैसे ही चैनल लिख के आप एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारे के सारे अलग अलग चैनल्स ही हैं, ठीक है ना। तो आप किसी चीज़ पे भी अगर चैनल सर्च करना चाहते हैं, तो जो भी आप कीवर्ड लगाएंगे उसके बाद कॉमा डाल के लिखेंगे चैनल, तो सिर्फ आपके सामने चैनल्स ही आएंगे, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है प्लेलिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ डोसा रेसिपी, तो जैसे हम डोसा रेसिपी लिख के एंटर करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें डोसा की रेसिपीज़ हैं, मगर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे डोसा की रेसिपीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोसा रेसिपीज़ कॉमा प्लेलिस्ट। तो जैसे ही प्लेलिस्ट लिख के आप एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सारी प्लेलिस्ट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये पहली प्लेलिस्ट है, इसके अंदर टोटल 22 वीडियोज़ हैं, सारे डोसा से रिलेटेड हैं। 69 वीडियोज़, 29 वीडियोज़। अगर मैं यहाँ पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, तो ये जितनी भी लिस्ट आ रही है आप देख रहे हैं, ये 22 डोसा रेसिपीज़ की ही अलग अलग लिस्ट है। इसी तरह से किसी चीज़ की भी अगर आपको रेसिपी या कोई भी चीज़ प्लेलिस्ट जाननी है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लिखता हूँ ओल्ड सॉन्ग्स। अगर ओल्ड सॉन्ग्स लिख के एंटर करेंगे, फिर तो एक एक वीडियो आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि लगातार ओल्ड सॉन्ग्स चलते रहें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेलिस्ट। ओल्ड सॉन्ग्स प्लेलिस्ट लिख के एंटर करेंगे, तो सारे ओल्ड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, 562 सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है ओल्ड इज़ गोल्ड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे 562 सॉन्ग्स जो हैं वो अपने आप ही वन बाय वन प्ले होते रहेंगे। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम टाइप करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडो चाइना
बॉर्डर और एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिनके अंदर लिखा है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना LAC स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना समथिंग एल्स, मगर जो मेरा एग्जैक्ट लाइन है इंडो चाइना बॉर्डर, वो वर्ड बीच में नहीं आ रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन एग्जैक्ट लाइन बाय वर्ड ऐसे ही आए तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे। अगर डबल कोट्स के अंदर डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो अब जो भी रिजल्ट आएगा वीडियोस का उसमें ये वर्ड बीच में हर जगह होगा। यू कैन सी इंडो इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना, ये लाइक दिस इंडा इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। तो यहाँ पे वो सारे जो वर्ड्स हैं बीच में हर जगह बीच में अवेलेबल होंगे। इसी तरह से अगर हम सर्च करना चाहते हैं कोई मूवी, अगर मूवी सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एक मूवी का नाम है ABCD, तो अगर मैं ABCD लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ तो ABCD कुछ और ही इंफॉर्मेशन जो छोटे बच्चों के वीडियोज़ हैं वो आने शुरू हो गए हैं। मगर जैसे मूवी का नाम है ABCD, मगर मैं सिर्फ मूवी सर्च करना चाहता हूँ तो आप प्रेस करेंगे ABCD, और इसके बाद आप ऐड करेंगे फिल्म। फिल्म लिख के अगर आप एंटर करते हैं तो जितना भी रिजल्ट आएगा वो सारी मूवीज़ का होगा। तो दिस इज़ ABCD मूवी, ABCD मूवी, तो मूवीज़ के ही जो रिजल्ट हैं वो आने शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ, एक मूवी सर्च करना चाहता हूँ बेबी, तो मैंने जैसे बेबी लिख के एंटर किया तो यहाँ तो बेबीज़ की के बारे में आएगा। मगर अगर मैं लिखता हूँ बेबी देन कॉमा फिल्म और तब आप एंटर करेंगे तो बेबी मूवीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है न्यूज़। फॉर एग्जांपल हम कोई लाइव न्यूज़ देखना चाहते हैं या कोई भी लाइव चैनल हम देखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यूज़ और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मगर ये सारे के सारे लाइव न्यूज़ चैनल्स नहीं हैं, लाइव न्यूज़ लाइव वीडियोस नहीं हैं। अगर मुझे लाइव वीडियो देखना है तो मुझे इसके आगे लिखना है कॉमा लाइव, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये जितने भी वीडियोस होंगे ऑल आर द लाइव वीडियोस। देखो हर एक के आगे ये लिखा है लाइव नाउ, लाइव नाउ, लाइव नाउ, इट मीन सारे के सारे जो लाइव वीडियोस हैं वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसे वीडियो सर्च करना चाहता हूँ जिसके अंदर पूरा 360 डिग्री व्यू दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सर्च करता हूँ गोल्डन टेम्पल और मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल के बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही वीडियोज़ आएँ जिनके अंदर 360 डिग्री व्यू अवेलेबल है। तो हम इसके बाद लिखेंगे गोल्डन टेम्पल कॉमा एंड देन हम कीवर्ड यूज़ करेंगे स्फेरिकल। तो जैसे ही स्फेरिकल लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे जितना भी सर्च का डाटा आ रहा है ये सारे के सारे 360 वीडियोस हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो सारे 360 डिग्री व्यू वाले वीडियोस ही हमारे सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी वीडियो पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप पूरा 360 डिग्री व्यू जो व्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसको आप अगर मूव करेंगे तो पूरे वीडियोस को आप इस तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे करके मूव करके भी देख सकते हैं। तो ये है कि 360 डिग्री व्यूज़ के जितने भी वीडियोज़ हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आपने जो सर्च करना है वो कीवर्ड लगाएंगे और कॉमा के बाद लिखेंगे स्फेरिकल। तो स्फेरिकल लिखने से सारे 360 डिग्री के जितने भी व्यूज़ हैं वीडियोज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर हम किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो सर्च करना चाहते हैं जो सिर्फ आज ही अपलोड की गई हो या विद इन अ वीक अपलोड की गई हो या अभी 1 घंटे के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर अपलोड की गई हो तो उसको भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ 2020, अगर तो मैं एंटर प्रेस करूँगा फिर तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। मगर इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है कोई 7 महीने पहले का है, कोई साल पहले का है, कोई 2 साल पहले का है। मगर अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कोई लेटेस्ट अपडेट अगर हुआ है, अगर मैं कॉमा लगा के लिखता हूँ वीक, तो इसका मतलब है कि करंट वीक के अंदर विद इन अ वीक अगर इस तरह का कोई वीडियो अपलोड हुआ है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करो।
तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया है कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2020, ये जो वीडियो है विद इन 6 days अगो, अभी 6 दिन पहले ही अपलोड किया गया है, ये 5 दिन पहले ही अपलोड किया गया है। तो इस तरह से आप ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली भी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। वीक के अलावा हम यहाँ लगा सकते हैं आर, मतलब जो अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पे लगा सकते हैं ईयर, मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर जो अपलोड किए गए हैं। अगर मैं वीडियो को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली सर्च करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड लिखा तो ये स्विट्जरलैंड के बहुत सारे वीडियोस दिखाएगा जो कि अलग अलग क्वालिटीज़ के हैं। मगर मुझे अगर सिर्फ 4K वीडियो ही सर्च करना है तो मैं लिखूँगा, कॉमा डाल के लिखूँगा 4K। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये जितने भी वीडियो आपके सामने आएंगे ये सारे के सारे 4K वीडियोज़ होंगे। तो आप देख रहे हैं 4K 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 यहाँ पे लिखा आ रहा है। अगर आप 4K नहीं HD क्वालिटी पिक्चर चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे HD, तो सारे ही HD वाले जो क्वालिटीज़ के पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपके सामने आएंगे। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं 3D, तो 3D लिख के एंटर करो, सारे ही 3D वीडियोज़ ही आपके सामने आएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी तरह का वीडियो, चाहे वो लाइव वीडियो है, 360 डिग्री व्यू है, किसी भी तरह का वीडियो अगर हम सर्च करना चाहें तो अगर हमें इन ऑपरेटर्स के बारे में मालूम है तो हम बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिनटों में पा सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन केस ऑफ एनी सजेशंस, काइंडली ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी शैल बी ग्लैड टू लिसन फ्रॉम यू। माई नेम इज़ विपिन कपूर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।